हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो है श्योर शॉट एग्जाम बूस्टर। फ्रेंड्स, एग्जाम बूस्टर का मतलब जब एग्जाम देने आप जाओगे, एग्जाम के अंदर बैठोगे, तो आपको ये बूस्ट प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। आज ये वीडियो मैं पूरी इंग्लिश के अंदर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हमारा मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.studymasterofficial.com। आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पीडीएफ अपलोड की जाती है। और फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले हमने हिंदी के अंदर अपलोड किए थे दो वीडियोज, तो उसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था उसका, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट कम है। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के अंदर लेकर आए हैं, और अगर इंग्लिश के अंदर रिस्पॉन्स चल जाए तो फिर हम हिंदी के अंदर शुरू कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें कि सर मुझे इतने क्वेश्चन आते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कमेंट करें कि सर इतने क्वेश्चन मेरे ठीक थे। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इंक्लूड लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर एटसेट्रा। तो ये ऑप्शंस दिए गए इसके अंदर, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कॉग्निटिव एनवायरनमेंट। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, तो कौन सा एक पार्ट है? तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। फाइंड आउट द सेलियंट फीचर ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। इट इज बेस्ड ऑन द फोर इंटरेक्टिव एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और नेक्स्ट है, इट ऑलवेज टेंस टू मेंटेन इलॉजिकल बैलेंस। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फियर। तो ओजोनोस्फियर दूसरी कौन सी लेयर को कहा जाता है? चार ऑप्शन है, राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। फ्रेंड्स, एग्जाम बूस्टर का मतलब ही ये है कि आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को वहीं पॉज कर लिया कीजिए, फिर देखा कीजिए कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है या नहीं है। और श्योर शॉट का मतलब, श्योर शॉट का मतलब ये है कि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। आपको डेली ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर जाएगी। दो वीडियो फ्रेंड्स अपलोड की जाती है, एक हिंदी के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर। जनरल साइंस की जो वीडियो है वो कंप्लीट दोनों लैंग्वेज में है, वो बायलैंग्वल है। जनरल साइंस की वीडियो फ्रेंड्स मॉर्निंग जो 9 बजे सुबह मैथ्स के लेक्चर होता है वो जरूर देखा कीजिए, मैथ का लेक्चर। और उसके बाद 12 बजे रीजनिंग का लेक्चर होता है फ्रेंड्स, वो भी देख लिया कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कोई डाउट है क्वेरी तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए, ये अर्थ स्फीयर देखा है और ये करेक्टरिस्टिक्स है, देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में हाइड्रोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। इट लाइज अबाउट 50 किलोमीटर विच कॉइंसाइड विद द थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट एंड ए लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, अर्थ वाटर विच एग्जिस्ट इन बोथ फ्रेश सेलाइन फॉर्म। नेक्स्ट है आनोस्फीयर, जोन इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप सोचिए कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। नीचे मैं कोड दे देता हूँ, कोड किस किस तरह से देख लीजिए आप लोग। कोड ए बी सी डी है, तो ये किसके साथ मैच करे? 1 2 3 4 4 3 2 1। और इसका जो राइट आंसर वो है सी, 3 2 4 1। चलिए देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके फिर से इसको पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इट डिनोट्स ए मोसाइक बाउंड्रीज और इंटरडिस्टिंग जोन बिटवीन टू मोर होमोजेनियस वेजिटेशन यूनिट। तो उसको हम इकोटोन बोलते हैं, इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट टर्म रिलेटेड टू द फ्रेज द एंटायर कंप्लीमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड विद इन ए गिवन रीजन। तो उसको क्या बोलते हैं, उस एंटायर कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पीसीज को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं बायोटा। तो राइट आंसर है बायोटा। नेक्स्ट, द साइक्लिंग एट वेरियस स्केल्स ऑफ मिनरल्स एंड कंपाउंड थ्रू द इकोसिस्टम इज। तो उसको क्या बोलते हैं इकोसिस्टम को? बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो उसका राइट आंसर है बी। तो फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप 10 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, उसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं कि सर हम 100 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन एक साथ करोगे, एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, नहीं समझ आएगा क्या पढ़ गए क्या नहीं पढ़ गए। मतलब पहले 2-4 क्वेश्चन याद रहेंगे, उसके बाद तो फिर ठीक है कि टिक मार्क होता जा रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपको डेली 10-20 क्वेश्चन करवाता हूँ। 10 में से अगर आपको 5 भी याद रह रहे हैं तो अच्छी बात है, 5 याद
पांच ऐड ऑन हो गए हैं, नेक्स्ट डे पांच और ऐड ऑन हो जाएंगे, नेक्स्ट डे पांच और ऐड हो जाएंगे और लास्ट में 100 हो जाएंगे। और हमें तो 100 में से कितने नंबर चाहिए होते हैं, 70 से 75 जनरल कट ऑफ होती है 100 की, इतनी कट ऑफ हुई तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से डेली वीडियो होती है, डेली 10-20 क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। शाम को लाइव क्लास होती है 6 बजे, वो जरूर देख लीजिए। एक और क्लास लाइव वो 8 बजे होती है, तो वो दोनों क्लासेस को देख लिया कीजिए, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाती हैं, तो उसमें क्लास भी लगती है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वेब? अब फूड वेब से आप लोग क्या समझते हैं? ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर देयर आर सेवरल इंटरलेटेड फूड फूड चेन्स। तो फूड वेब क्या होती है, वहाँ पर काफ़ी सारी फूड चेन्स आपस में मिली हुई होती हैं। नेक्स्ट है डैश प्ले ए वाइटल रोल ऑफ रिलीजिंग इसेंशियल मटीरियल्स फ्रॉम द डेड मैटर एंड दस मेंटेनिंग कंटिन्यू साइकिल ऑफ एनर्जी फ्लो एंड ऑफ ए मटीरियल। तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स प्ले ए वाइटल रोल। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्ट। तो कौन से पेयर करेक्टली मैच है, तो उनमें से कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, सारे ही ये गलत मैच किए हुए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो स्मोक किस चीज़ से बनता है, स्मोक और फोग दोनों को जोड़कर क्या बनता है, स्मोक। स्मोक होता है स्मोक प्लस फोग। और फ्रेंड्स ये सारी पीडीएफ्स हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, ये स्टडी मास्टर देख सकते हैं आप लोग। ये स्टडी मास्टर की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल लोगो है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ये हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से टाइप करते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट है स्मोक इज कॉज्ड ड्यू टू। स्मोक किस चीज़ से कॉज होता है, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल से धुआं निकलता है, फ्रॉम इंसिनरेटर्स, ऑयल पेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी चीज़ों से स्मोक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हु हैड कॉइंड द टर्म स्मोक। तो स्मोक टर्म को किसने कॉइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर हेनरी एनोटॉइन, तो नाम याद रख लीजिए इसका, ए राइट आंसर है, डॉक्टर हेनरी एनोटॉइन। नेक्स्ट है व्हाट इज एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूशन कौन से होते हैं, तो पहला है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर। तो जो ज़्यादा क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जब ओजोन डिप्लेट हो जाती है तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, आप लोगों को पता ही है जैसे कि। तो इसमें राइट आंसर जो है ए है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसमें से जो मेजर फोटोकेमिकल स्मोक कौन सी है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पेरोक्साइल एसिटिल नाइट्राइड स्मोक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो सबसे ज्यादा मेजर फोटोकेमिकल स्मोक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द स्मोक। तो स्मोक से कौन सी डिजीज होती हैं, रिकेट्स, थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर या ब्रीथिंग प्रॉब्लम। चार ऑप्शन हैं, इसमें से पहला ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी में दिया गया है 2 एंड 4, और सी में दिया गया 1, 2 एंड 3, और डी में दिया गया 1, 2 एंड 4। तो जो राइट आंसर है वो है डी 1, 2 एंड 4। तो पहला है रिकेट्स, दूसरा है थ्रोट कैंसर, 1, 2 और 4, ये सारी स्मोक की वजह से प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, देख लीजिए, एक्सेस ऑफ फ्लोरिन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज। तो क्या कॉज करता है, लंग डाइजीज, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, फ्लोरोसिस या नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर है सी, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज फ्लोरोसिस। तो हमें फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल। तो जो ताजमहल है वो येलिश कलर का क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और मतलब स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल पीले रंग का पीला पड़ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द साउंड पोल्यूशन, इट मेजर एयर पोल्यूशन मेनली सल्फर कॉन्टेंट इन द एयर, इट मेजर ओजोन लेवल इन योर एरिया, और इट चेक्स द कलर ऑफ एरिया। चलिए फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मैं इसका जो आंसर बता देता हूँ। इट मेजर द ओजोन लेवल इन योर एरिया। तो आपके एरिया में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता लगता है कि आपके कितना वहाँ पर है।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस विल बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन ओजोन लेवल इज हाई। जब ओजोन लेवल हाई हो जाता है तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, देख लीजिए। ड्राइव लेस, स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड इंजन्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। कम ड्राइव करनी चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए और जो है गैस पावर्ड इंजन्स को यूज़ करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स फिर से बता देता हूँ, ये श्योर शॉट एग्जाम बूस्टर है, इसकी डेली दो वीडियोस आती हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और पीडीएफ, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी अपडेट्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो को बूस्ट मिले, और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो पर लाइक शेयर आएंगे उतने मैं समझूँगा कि हाँ इंग्लिश के अंदर बच्चों को चाहिए, तो मैं इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो फिर हिंदी के अंदर तो हम सारा मटेरियल पहले से ही प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।